हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लाइक पोस्ट जो कि साइंटिस्ट से रिलेटेड, और जानेंगे इसके डिटेल। तो वीडियो स्टार्ट करने पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप मेरे चैनल को देखना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो आपको टाइप करना है दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर। जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जो भी वैकेंसी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है, चाहे वो का फैकल्टी रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो का वो साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो का मल्टीपल प्रोजेक्ट वैकेंसीज हो, या आपका जो पीएचडी रिलेटेड एडमिशन नोटिफिकेशन हो, सारा अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकता है, आपका बीएससी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, या आपका जो है पीएचडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, या आपके जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट और जो है आपका जॉब से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, आप यहाँ पर रेगुलरली देख सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा ये नोटिफिकेशन आया, ये सेंटर ऑफ एडवांस रिसर्च हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जेपी नेपेक्स ट्रॉमा सेंटर, एम न्यू दिल्ली से। तो यहाँ पे लास्ट डेट 20 सितंबर है फॉर फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और यहाँ पे जो पोस्ट है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो फंड है ये प्रोजेक्ट है, ये फंडेड बाई आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर ने जो फंड किया है। और जो नेम ऑफ पोस्ट है वो साइंटिस्टिक सी की पोजीशन है, और नंबर पोजीशन 1 है, और जो प्रोजेक्ट है वो सेंटर ऑफ एडवांस रिसर्च इन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। और जो प्लेस रहेगी आपकी पोस्टिंग वो माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी जेपी नेपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली में रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेस, जियोलॉजी, बायोस्टेटिस्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री में या रिलेटेड एरिया में, ठीक है। इसके अलावा आप सेकंड क्लास एमएससी या पीएचडी डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है आपका पीजी डिग्री मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में अगर हो, या प्रायर एक्सपीरियंस हो आपको बायोस्टैट्स का, एपिडेमोलॉजी एंड जीनोमिक वर्क का, देन यू विल प्रेफर्ड। इसके अलावा एक्सपर्ट लेवल नॉलेज इन डाटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म एसपीएसएस एसटीएटीए अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास रिटेन कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, प्रिपेयर रिटेन रिपोर्ट एंड टू डिस्प्ले स्टैटिस्टिकल डाटा एंड अंडरस्टैंड बाय फॉर्मेट। और अगर ये सारा जो इनमें से अगर कोई भी आपके पास जो है डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज मैक्सिमम आपकी 40 ईयर्स है, और जो नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको यहाँ पे क्या क्या काम करना है, ठीक है। ड्यूरेशन आपका 1 ईयर का रहेगा, और यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड सैलरी रहेगी वो आपको 51,000 मिलेगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपको 51,000 मिलेगा। तो यहाँ पे एचआर इन्होंने नहीं मेंशन कर रखा है, आई थिंक टोटल आपका सैलरी जो है वो बनेगा 51,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका पर्सनल इंटरव्यू आपका लिया जाएगा, तो आपका जूम आईडी या स्काइप के थ्रू आपका इंटरव्यू होगा। और जो एज सिलेक्शन होगा एससी एसटी और ओबीसी का कैंडिडेट, वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको जो है डिटेल आपका डेट और जो टाइम इंटरव्यू का, वो आपका जो है आपको सेंड कर दिया जाएगा बाई ईमेल, ठीक है। तो इसके अलावा और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो देखिए, जो इंटरव्यू आपका ऑनलाइन होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी ऑफलाइन इंटरव्यू देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम जो आपका जो भी इंटरव्यू रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा स्काइप मीट के अलावा हेल्प से, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।